नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप से दो स्टॉक्स के बारे में, अदानी पावर एंड विलमार। इसके अलावा भी मैं पूरे ग्रुप के ऊपर एक बार ओपन मार्केट में बात कर चुका हूं आप सभी के साथ। बाकी की अभी वीकेंड है, आराम से बात करेंगे। तो जो भी आपकी जिस भी स्टॉक को लेकर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं जो मैंने अभी देखा अपनी आंखों से। मतलब ये बहुत रेयर होता है, किसी ने बहुत बड़ा गेम प्ले कर दिया है, किसी ने मौके का फायदा उठाया है पूरा पूरा। स्टॉक का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। आप मार्केट की खूबसूरती देखो, बस बाकी चीजें तो होती रहती है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मैंने इसकी स्टोरी भी शेयर करी अपनी इंस्टाग्राम पे। अगर आप ब्लैक रोज इंडस्ट्री को देखोगे, इसमें सर्किट है 10% का। इस स्टॉक का भाव आपके लिए 2:46 पे 140 का था, 2:46 से भगा 3 बजे इसमें लग गया अपर सर्किट, 152.50 रुपए का। स्टॉक के एवरेज वॉल्यूम है 50,000 शेयर्स, बीएससी पे है स्टॉक, और आज ट्रेड हुए हैं 67,000 शेयर। मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब पता है किससे है। आप इस स्टॉक में ओपन मार्केट में एक चीज देखते ना, जब इसमें सर्किट लगा तो केवल 12,000 क्वांटिटी के बायर्स थे। इतनी छोटी क्वांटिटी में सर्किट कैसे लग सकता है, मैं ये कंफ्यूज हूं अभी तक। किसी ने देखा कि बेचने वाले कोई नहीं है, बिड लगा दो बड़ी और सर्किट लगवा दिया उसने। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का जानकारी दे रहा हूं मैं आपको कि मार्केट में ऐसे भी होता है। हालांकि ये स्टॉक मैंने 180-186 रुपए से आप सभी के साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए शेयर कर रखा है, बीच में 100 रुपए तक चला गया था, आज तो 152 पे आ गया है। बहुत इंटरेस्टिंग थी ये चीज ओपन मार्केट में। थोड़ा समय मैंने इसको देखा ही 3:26 पे, अगर मैं थोड़ा पहले देख लेता ना तो फिर आज मैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में इस स्टॉक को शेयर करता, खरीदने के लिए नहीं, शेयर करता डाटा बस जो इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब आते हैं अदानी पावर विलमार पे। देखिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा लोगों का सवाल है क्या करें, बेच दें या खरीद लें, और यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए केवल बेच दें और खरीद लें यही शेयर बाजार नहीं है। शेयर बाजार को जितना डिटेल में समझोगे, एक स्टॉक अच्छे नंबर के बाद भी गिर जाता है, लेकिन आप में समझ है तो आपने देखे अच्छे नंबर से, वो कल फिर भागेगा, कल नहीं भागेगा तो अगले 3 महीने तक नंबर्स नहीं आने वाले। बाजार को पता है इसने नंबर अच्छे पेश करे हैं, बाजार उसको गिरने नहीं देगा। उस दिन तो गिर गया लेकिन बाद में उठा देगा, गिरने नहीं देगा। नंबर खराब है, स्टॉक ऊपर है, वो 3 महीने के लिए पिटेगा, मैं आपको बता रहा हूं पिटेगा जरूर। कमेंट्री अच्छी है, नंबर खराब है, स्टॉक गिरेगा नहीं, या तो वहीं कंसोलिडेट करता रहेगा, फ्रेश लोगों को देखता रहेगा, आगे का व्यू देखता रहेगा। तो ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और यही सब चीजें मैंने अपने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में आप सभी के साथ शेयर करी है। अर्निंग्स पढ़ना सीखो, 6 वीडियोस हैं, मजा आ जाएगा आपको देखकर। एंड उस कोर्स का प्राइस है 749। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कोर्स तो फ्री में है। आपको करना क्या है, अकाउंट ओपन कहां पे, अपस्टॉक या पेटीएम मनी पे डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। कोर्स का लिंक आपको फ्री में मिलेगा, हमारी पार्टनरशिप हुई है, इसके रिगार्डिंग आपको ऑफर चल रहा है 30 जून तक। जितने भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ पिछले 4-5 दिनों में जो जुड़े हैं, उन सबको हमारे कोर्स का लिंक फ्री में मिलेगा। बस चैनल के साथ बने रहिएगा, यहीं पे मैं आप सभी के साथ वो लिंक फ्री में शेयर करूंगा। अब समझने वाली बात ये है, इन स्टॉक्स में हो क्या रहा है, हो ये रहा है नॉर्मल ट्रेड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सेबी ने जो जो सुप्रीम कोर्ट को बताया सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट में बताया, सारी चीज आई अदानी ग्रुप के फेवर में। अभी तक बाजार ने दिया एक शार्प पॉजिटिव रिएक्शन, 2 दिन में 20% बता दिए। अदानी पावर देखो, 2 दिन पहले ये स्टॉक 220 का था, आज 260 की क्लोजिंग है। अदानी विलमार 370 वाला, आई थिंक 450 पे है, जी हाँ 450 का है। अब समझने और देखने वाली बात ये है, नीचे से जिसने खरीदा 2 दिन बढ़िया तेजी देखी, तीसरे दिन अपने आप कंट्रोल करा कल के सेशन में, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं सोच रहा है यार बुक कर लो, अब नहीं चल रहा। बुक करा है, बहुतों ने बुक करा प्रॉफिट, लेकिन स्टॉक क्या गिरा, नहीं गिरा। दैट मींस अंदर से स्ट्रेंथ बन रही है, कोई है जो इन स्टॉक को गिरने नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं और करूंगा, वो ये है कि इन स्टॉक्स में ना अभी आपको व्यू, जब तक कोई फ्रेश खबर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं वीडियो बनाता हूं अपना व्यू शेयर करता हूं, खबर जो भी आती है बाजार में शेयर करता हूं। कोई भी खबर नेगेटिव आती है, स्टॉक 5% 10% टूटते हैं, मैं कहूंगा खबर खराब आई है इसलिए गिर रहे हैं और अब बेच दो। तो लोग कमेंट करेंगे भाई कल तक तो कह रहे थे आप खरीदो, आज कह रहे हो बेचो, क्योंकि भाई चीज जो चल रही है वही तो बताऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या चल रहे थे, नहीं चले तो बताया, अब कोई नेगेटिव खबर आएगी तो गिरेंगे, तो भी आपको अपडेट देना जरूरी है, वरना आपको तो पता ही नहीं चलेगा। चल तो अभी मेरे को लगता है इन्हें होल्ड करने का समय। अदानी विलमार के नंबर अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, स्टॉक में उतनी जान नहीं लग रही है, बट टेक्निकली और फंडामेंटली देखें तो स्टॉक अच्छा है।
वैल्यूएशन महंगे है इसलिए मेरा मन नहीं करेगा भैया खरीदने का इन लेवल्स पे। ऊपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन पे वो बने रहे पैसा बना ले। फ्रेश एंट्री के लिए मुझे ऐसी जगह ढूंढिए जहां पैसा बने। बाजार में 5000 शेयर्स हैं, मैं यहां आ रहा हूं तो मेरा पैसा बनना चाहिए। मैं केवल अदानी के लिए नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा अपना पैसा बनाने। तो मुझे लगता है अदानी पावर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है अदानी विलमार के हिसाब से। अदानी विलमार भी जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि बेहतरीन एफएमसीजी कंपनी है। बाकी के सारे एफएमसीजी स्टॉक रैली कर रहे हैं, ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि वैल्यूएशन आप देखो अभी भी 87 के पीई पे, बाकी अभी 87 तक पहुंचे भी नहीं है। तो वैल्यूएशन अदानी विलमार के डेफिनेटली महंगे हैं और नंबर्स बेहद खराब थे। अदानी विलमार ऊपर में मुझे लगता है 540 रुपए तक आएगा, समय देंगे तो डेफिनेटली आएगा। और ये मैंने आपके साथ अभी नहीं 400 रुपए पे शेयर करा था व्यू। अदानी पावर की बात करूं 258 पे, ये स्टॉक आपके लिए 280 तक जाएगा, बट थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है, लेने दीजिए। और इस बीच में कोई बड़ी करेक्शन हो जाए तो आप खरीदारी करने की सोचिए। लेवल कौन सा होगा खरीदारी का? 230-220। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिनके पास है बैठे रहो। फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे दोनों में मेरे को नहीं लगता लेनी चाहिए। ये मेरा व्यू था, ये मैंने आप सभी के साथ शेयर करी वीडियो। होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।